Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. Today's our topic is numericals, class 11 physics, and our chapter is measurement. Measurement का chapter आपने fundamental में पढ़ लिया है और आज हम करेंगे उसके numericals. तो देखिए measurement का जो numericals है, सबसे पहले मैं आपको numericals के बारे में, ये 11th class का first chapter है जो हम numerical start कर रहे हैं. Numerical के लिए जो बहुत necessary है आपके लिए, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज ऑल फार्मूला लर्न, पूरे फार्मूला आपको लर्न होने चाहिए, एंड थर्ड इज सिंप्लीफिकेशन, उसको सरल करना आना चाहिए. क्लियर? तो यार देखो, ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल पैटर्न के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ. वैसे हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको 100% कराएंगे, लेकिन इस चैप्टर का न्यूमेरिकल मैं अपने कलेक्शन पर दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में जो न्यूमेरिकल्स है मेजरमेंट पर, वो पूरा कॉन्सेप्ट को लेकर सफिशियंट नहीं है, इसलिए मैं अपने हिसाब से उसको आपको पढ़ा रहा हूँ. देखिए, हम इसमें सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स देखेंगे वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपन बेस्ड ऑन डायमेंशन फार्मूला, द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डायमेंशन फार्मूला. द फर्स्ट टाइप ऑफ अवर न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन डायमेंशन फार्मूला. डायमेंशन फार्मूला पर बेस्ट न्यूमेरिकल अपन देखते हैं, और डायमेंशन फार्मूला पर जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन ख्याल से आपको समझा रहा हूँ. देखिए, आप न्यूमेरिकल्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स तो इनफाइनाइट है, कह सकते हैं. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जितने राइटर्स के बुक आप देखेंगे आपको न्यू न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. तो हमारा फोकस कैसा होना चाहिए, हम न्यूमेरिकल्स करें कैसे? न्यूमेरिकल्स करने का फोकस ये है कि आप एक पैटर्न के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ढंग से तैयार कीजिए. मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का न्यूमेरिकल्स ऐसा बनेगा, और एक बार आपने उस प्रोसेस को, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, तो उस टाइप के सभी न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं. तो सबसे पहले मैं डायमेंशन फार्मूला पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, तो कुछ क्वेश्चन तो हम चैप्टर पढ़ते समय कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला. वी हैव फोर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला. फर्स्ट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन, दैट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. तो आपको कोई क्वेश्चन दे सकता है कि उसका करेक्टनेस चेक करने के लिए. सेकंड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, एंड थर्ड इज कन्वर्सन ऑफ द यूनिट, एंड फोर्थ इज फाइंड द फिजिकल रिलेशन बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला. तो वो न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर टच नहीं कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट है. यहाँ पर जो हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो डायमेंशन फार्मूला पर बेस्ड है, वो इस तरह का होगा. देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ. सपोज पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर, द मेजरमेंट इन पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर इधर इज 2% एंड इन द मेजरमेंट ऑफ करेंट इज, स्टेटमेंट कंप्लीट यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ, आप ऐसे समझ जाएंगे इस तरह के न्यूमेरिकल्स में. मतलब पोटेंशियल इधर, पोटेंशियल में जो एरर होता है वो सपोज 2% है, एंड एरर इन करेंट, करेंट में जो एरर होता है वो सपोज 1% है. तो हमको फाइंड करना है एरर इन रेजिस्टेंस, ये हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है. ठीक, पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V, करेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई I, एंड रेजिस्टेंस इज R. इस तरह का क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया सबसे पहले आपको पैटर्न समझाने के लिए, फिर थोड़ा हम क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को डिफिकल्ट करेंगे. तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में आपको एरर बता देगा, कि इसको मेजरमेंट करने में इतना परसेंट एरर हुआ, इसको मेजरमेंट करने में इतना परसेंट एरर हुआ. तो उसको किसी थर्ड फिजिकल या फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने में कितना एरर होगा. तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप देखोगे कि उस फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन क्या है, दैट मीन रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर. रिलेशन बिटवीन वी एंड आई आर इज ओम्स लॉ. देखिए, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है कि हम यहाँ पर कई टॉपिक ऐसे पढ़ते हैं जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यूज़ यहाँ हो जाता है, तो थोड़ा मेजरमेंट में यह ध्यान रखना पड़ता है. वैसे आपने टेंथ में ओम्स लॉ पढ़ा है, तो
relation between V, I and R is since V equal to I into R. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपको पूछा है उससे रिलेटेड आप फार्मूला याद करेंगे. देयरफॉर दैट इंप्लाइज, अब हमको R के लिए इसको रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सॉल्व करना है, तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I. देयरफॉर अब इस रिलेशन को हम एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डेल R अपॉन R इक्वल, मैंने डिवीजन का आपको फार्मूला बताया है कि डिवीजन में एरर होता है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, आप हमारे बेसिक फंडामेंटल के वीडियो से आप लर्न कर चुके हैं. तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन I. इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको फार्मूला को लिखेंगे. दैट इम्प्लाइज, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डेल R अपॉन R इक्वल टू डेल V अपॉन V. दिस इज द डेल V परसेंटेज, दैट मीन्स 2/100 प्लस डेल V अपॉन V इज 2 और परसेंटेज इधर मतलब अपॉन 100 एंड डेल I अपॉन दैट इज 5/100. देयरफॉर डेल R अपॉन R इक्वल टू ये हो जाएगा 7/100. देयरफॉर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 7/100 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7%, ये इसका आंसर हो जाएगा. तो बहुत आसान है, मैं इजी न्यूमेरिकल आपको इसलिए बताया कि सबसे पहले आपको उसको बनाना कैसा है ये मैं आपको बता सकूं. ये है कि रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल में यदि अपने को रिलेशन बनाना है ऐसा बनाएंगे. क्लियर? तो ये बहुत आसान है. इसी पैटर्न पर अपन एक और क्वेश्चन देते हैं, इसी पैटर्न पर देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा. यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज एरर. देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं कि सपोज हमको किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, वो इस तरह से है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज एरर इन मास, किसी बॉडी के मास में सपोज 4% का एरर होता है. क्लियर? एंड एरर इन वेलोसिटी, वेलोसिटी एरर इज सपोज 5%, देन फाइंड एरर इन काइनेटिक एनर्जी. ये आपको फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है. सपोज हमने इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट किया, एरर इन मास इज 4%, एरर इन वेलोसिटी इज सपोज 5%, देन फाइंड द एरर इन काइनेटिक एनर्जी. सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी बताया. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें रिलेशन फाइंड करेंगे. तो इसमें जो रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv². इसको हम ओनली ई कह सकते हैं, तो ई इक्वल टू होता है 1/2 mv². तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, उस फार्मूला को कोरिलेट करना होता है जिसके लिए फिजिकल क्वांटिटीज में हमको वैल्यू गिवन है. ये काम करना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं इसमें. सपोज ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे. दैट इम्प्लाइज, अब आगे इसको हम सॉल्व करें तो डेल ई को क्या लिख सकते हैं, इसको ई को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल ई अपॉन, अच्छा देखिए मैंने आपको बेस्ड ऑन डायमेंशन फार्मूला लिखा था लेकिन मैं आपको बताना स्टार्ट कर दिया एरर पर. ठीक है, दोनों मुझे पढ़ाना है, ये मैं चेंज करता हूँ अपने, इसको मैं बाद में बता दूंगा. ठीक है, किसी को पहले किसी को बाद में, मैं उसको स्टार्ट कर दिया. बेस्ड ऑन एरर, एरर कैलकुलेशन, ये ध्यान रखना, एरर पर अभी बता रहा हूँ ना मैं, इसके बाद बता दूंगा डायमेंशन फार्मूला पर. तो डेल ई अपॉन ई इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है और किसी कांस्टेंट क्वांटिटी में एरर नहीं हो सकता क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स है. तो एम के लिए हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन एम प्लस, अब आपको फार्मूला पता, मैं अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि किस तरह से हम क्या है डायमेंशन को मैनेज, इसको सॉरी एरर को मैनेज करते हैं. तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, यह पावर टू है, तो पावर क्या होता है, सामने आके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये हो जाएगा डेल वी अपॉन वी. दैट इम्प्लाइज डेल ई अपॉन ई इक्वल टू डेल एम अपॉन एम, डेल एम अपॉन एम देखिए ये मास में एरर है, ये हो जाएगा 4/100 प्लस
टू इंटू डेल वी अपॉन वी इज 5/100, ये हो जाएगा। तो इसके वैल्यू हमने पुट अप कर दिया, दैट इंप्लाइज डेल ई अपॉन ई इक्वल टू 4/100 या 10/100। क्लियर, मैं डायरेक्ट उसको सॉल्व करूं तो 100 को एलसीएम लेके तो 10 नहीं हो जाएगा 14, ये हो गया 14/100। देयरफॉर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14/100 इंटू 100 दैट इक्वल 14%, ये आंसर रहेगा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल में बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है और ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्लियर, फार्मूला के बेस पर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मैं इसी पर एक और क्वेश्चन आपको बताऊं, आसान है ये एरर के क्वेश्चन, एक दूसरा पैटर्न है जो इसके बाद में, पहले क्वेश्चन और करा दूं मैं। सपोज रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इक्वल टू 2π√L/g। सपोज ये रिलेशन बिटवीन टाइम लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हमको एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दिया है कि परसेंटेज एरर इन टाइम इज सपोज 3% एंड परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सपोज 2%, देयरफॉर परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमको रिलेशन खुद से दे दिया कि सिंपल पेंडुलम का, जो आगे पढ़ेंगे हम इसको फिजिक्स में, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमको क्या करना है, उसका परसेंटेज एरर फाइंड करना है और टी और एल का हमको एरर दिया हुआ है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, जिसका परसेंटेज एरर फाइंड करना होता है उसको हम लेफ्ट साइड में लेके सॉल्व करते हैं। तो सिंस वी हैव टी इक्वल टू 2π√L/g, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड दैट इम्प्लाइज, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू 4π²L/g। नाउ सॉल्व द रिलेशन फॉर जी, दैट इम्प्लाइज स्मॉल जी इक्वल टू दैट इज 4π²L/t². अब इसको हम एरर के फॉर्म में लिखेंगे इस क्वेश्चन को, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये 4π² कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डेल जी अपॉन जी, लेंथ के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा डेल एल अपॉन एल। अब डिवीजन वाला आपको फार्मूला पता है कि ये प्लस हो जाएगा और ये पावर टू सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल टी अपॉन टी। देखिए आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि मैं हर बार जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को अप्रोच करके ले रहा हूँ। एक बार डायरेक्ट था, फिर मैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिया, अब डिवाइड के फॉर्म में लिया, इस तरह से हर एग्जाम्पल में मेरा ये जो मैं चेंजेस जो ला रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए। क्लियर, दैट इम्प्लाइज, अब इसको हम सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा डेल जी अपॉन जी इक्वल टू डेल एन अपॉन एल, डेल एल इज 2%, दैट मीन्स 2/100 प्लस 2 इंटू टाइम इज 3%, दैट मीन्स 3/100, ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज डेल जी अपॉन जी इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो 3 × 2 = 6 प्लस 2 दैट इज 8/100। नाउ परसेंटेज एरर इक्वल टू 8/100 इंटू 100 दैट इक्वल 8%, दिस इज फाइनल आंसर। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद हम इसको एरर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्ट होने के बाद ओनली आपको क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है। क्लियर, तो ये है हमारा एरर में इस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक थोड़ा अलग क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिसमें जितना क्वेश्चन मैं अभी पढ़ाया वो सब एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। देखिए ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये जो क्वेश्चन अब मैं ले रहा हूँ वो एनसीईआरटी के बुक में है, एनसीईआरटी के बुक से भी, और बहुत से राइटर ने लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एक अकेला क्वेश्चन ही क्या करेगा, आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन,
एरर पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि उसका पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, लेकिन यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ पी इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वेयर अपन रूट ऑफ सी इंटू डी, रूट ऑफ सी इंटू डी। अब यहाँ पर आपको गिवन है, ये हमको क्वेश्चन इसमें गिवन है, p इक्वल टू दिस रिलेशन, क्वेश्चन में खुद रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है क्या मतलब नहीं है, लेकिन उसमें परसेंटेज एरर दिया हुआ है, परसेंटेज इधर एरर इन ए बी सी एंड डी, एरर इन ए इक्वल टू एंड एरर इन बी इक्वल टू एरर इन सी इक्वल टू एंड एरर इन डी इक्वल टू, सबका परसेंटेज एरर दिया हुआ है कंटिन्यूअस में, ये कहता हूँ 1, 3, 4, 2, 1%, 3%, 4% एंड 2%, देन फाइंड एरर ऑफ द पी, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस लेवल में इसको आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, सब चीज़ मैंने आपको समझा दिया। ये गिवन है, ये फाइंड करना है, ये आपके पास रिलेशन है, तो रिलेशन ऑलरेडी पी के लिए है, तो हमको उसको एरर के फॉर्म में लिखना है बस। सिंस पी इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वेयर अपॉन रूट ऑफ सी इंटू डी, दैट इंप्लाइज को क्या लिखेंगे, डेल पी अपॉन पी। अब एरर के लिए हम सबको लिखते जाएँ तो आपको पता है कि एक एक करके सभी वैल्यू को हम डेल के फॉर्म में लिखते जाएंगे, तो ए क्यूब के लिए लिखें तो ए क्यूब के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हम पढ़े हैं, ये फार्मूला सब आपको मैं अपने बेसिक फंडामेंटल वाले चैप्टर में लास्ट में एरर मैंने पढ़ाया है, सबका फार्मूला बताया है, ये पावर पर बेस्ड फार्मूला है, तो पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल ए अपॉन ए प्लस बी के लिए करेंगे तो 2 इंटू डेल बी अपॉन बी, प्लस सी के लिए करेंगे तो सी में रूट है तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 डेल सी अपॉन सी, प्लस डी इज डायरेक्ट डेल डी अपॉन डी। तो सबसे पहले आपको इस फार्मूला को एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ दैट इम्प्लाइज डेल पी अपॉन पी इक्वल, अब कुछ भी नहीं करना है, सब आपको गिवन है, 1%, दैट मीन्स 1/100 प्लस 2 इंटू बी इज 3%, दैट मीन्स 3/100 प्लस 1/2, डेल सी इज 4%, दैट मीन्स 4/100 और प्लस डेल डी इज 2%, 2/100। नाउ सिंप्लीफाई दैट इक्वल, 100 इज LCM एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 3, द वैल्यू ऑफ दिस इज 6 प्लस वैल्यू ऑफ दिस 2 2 2, प्लस दिस इज आल्सो 2, दैट इक्वल 9 10 11 12 13, दैट मीन्स 13/100। नाउ परसेंटेज इधर, नाउ परसेंटेज अगर निकालना है तो क्या करते हैं अपन, 13/100, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, दैट इज 13%, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे कि एरर में जितना पैटर्न मैं आपको समझाया, ये एरर कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान है, और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर होते हैं, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये हो गया बेस्ड ऑन एरर, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया बेस्ड ऑन एरर कैलकुलेशन। अब हम यहाँ पर देखते हैं बेस्ड ऑन डायमेंशन फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आईआईटी जेई के लेवल में भी इससे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, रिसेंटली अभी अभी पूछा गया है। मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, आपको इसका स्क्रीन शॉट यदि लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स आपको मेरे क्लास से समझना है, और आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, आपका जो भी टेस्ट बुक है, उसके न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मेरे क्लास से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो तो तैयार करिए ही, और उसके बेस पर आपको जो भी टेस्ट बुक में क्वेश्चन दिया है वो फिर अगेन आप सॉल्व करिए, तो प्रैक्टिस होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्लियर। तो अब हम जो नए पैटर्न पर एंटर करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला के न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका, वो है कि आपको
फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको डायमेंशन फार्मूला नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बहुत बार आपको क्लास में बोल चुका पहले भी कि आप डायमेंशन फार्मूला लर्न करिए, कम से कम 20-30 के आसपास होना चाहिए, बाकी आप निकाल भी सकते हैं। बी टाइप इज बेस्ड ऑन डायमेंशन फार्मूला, बेस्ड ऑन डायमेंशन फार्मूला। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए सपोज हम यहां एक क्वेश्चन लिए इस तरह से, ये एक अपने पास इक्वेशन है वांडरवाल गैस इक्वेशन। वांडरवाल गैस इक्वेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आरटी, दिस इज वांडरवाल गैस इक्वेशन। ये वांडरवाल्स का गैस इक्वेशन होता है, और यहां पर हमको फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी का हमको डायमेंशन फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। एंड हियर द यूजुअल मीनिंग इज पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है, मैं बेसिकली आपको इस न्यूमेरिकल्स को लेकर यह बताना चाह रहा हूँ कि किस कॉन्सेप्ट पर यह बेस्ड होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो होता है डायमेंशन फार्मूला का, वो क्या कहता है, इक्वल टाइप्स ऑफ डायमेंशन या इक्वल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एड एंड सब्स्ट्रैक्ट, लाइक वी कैन नॉट एड किलोमीटर विथ मीटर, किलोमीटर विथ लीटर, किलोमीटर के साथ हम लीटर को ऐड नहीं कर सकते, या हम मीटर के साथ सेकंड को ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कर सकते हैं लेकिन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। दिस इज द प्रिंसिपल, सिमिलर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड आर सब्सट्रैक्ट, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर हमको ए का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है, तो इसका जो फिजिकल क्वांटिटी, इसका जो डायमेंशन है, इसके डायमेंशन के इक्वल होगा, तभी दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इस बात को आप समझना है। तो यहां से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ पी, क्योंकि इसके साथ में क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। तो ए अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वह प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होगा। आगे हम इसको सॉल्व करें तो डायमेंशन ऑफ दैट इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ ए इक्वल वी को इधर ट्रांसफर कर दें तो यह हो जाएगा डायमेंशन ऑफ पी अपॉन वी स्क्वायर। अब ए का जो डायमेंशन होगा वो पी अपॉन वी स्क्वायर, वी को हमने ट्रांसफर कर दिया उसके इक्वल होगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके p इंटू वी स्क्वायर के इक्वल होगा, यहाँ डिवीजन में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब p प्रेशर है तो आपको प्रेशर का डायमेंशन पता होना चाहिए, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन आपको लर्न होना चाहिए, या याद नहीं है तो फोर्स अपॉन एरिया करेंगे। अब जब प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो प्रेशर फिर फोर्स का याद होना चाहिए, अब वो भी याद नहीं है तो फिर आपको मास एक्सेलरेशन से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आपको इसको लर्न करना है। तो ये होता है एम एल टी टू द पावर माइनस टू अपॉन एरिया इज एल स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेशर का डायमेंशन क्या मिल जाएगा आपको, एम एल टू द पावर वो जाके माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, डायमेंशन वी इज वॉल्यूम एंड स्क्वायर, दैट इक्वल। इसको हम सॉल्व करें आगे तो ये तो हो गया एम, यहाँ एल का पावर माइनस वन है, यहाँ पर एल का पावर सिक्स होगा तो एल टू दी पावर क्या हो जाएगा फाइव, और टी टू दी पावर माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। तो हमको ए का डायमेंशन फाइंड हो गया, ये आंसर नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट आंसर है डायमेंशन ऑफ ए। अब सेकंड हमारा फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ बी। तो यहाँ पर आप देखो कि बी के साथ में किस तरह का बिहेवियर, यहाँ पर तो बी क्या है, वॉल्यूम के साथ में माइनस हो रहा है, दैट मीन्स जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, तभी उसके साथ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो एक लाइन में है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू
dimension of V, that equal dimension of V is L cube, that equal ML भी लिखना चाहिए इसमें, M to the power 0, L cube T to the power 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, dimension of V। तो देखिए कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो जिसके साथ ऐड हो रहे हैं या जिसके साथ सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। ये है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। इस पर कुछ और क्वेश्चन अपन देखते हैं लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट यही है, ठीक है। चलिए इस पर और कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इस पर। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, उस अकेले क्वेश्चन से आपका बहुत सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप के कॉन्सेप्ट मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। वैसे इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा वैरायटी नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपको एक्चुअल में स्टार्ट होगा मैकेनिक्स से, दैट मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, वी इक्वल, ये क्वेश्चन दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, ए प्लस बी टी प्लस ए प्लस बी टी प्लस सी अपन डी प्लस टी। ये एक रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज में और हमको यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। दिस इज द वर क्वेश्चन। इफ वी इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। वी इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। टी इज टाइम, ये क्या है, टाइम है, ये टी भी टाइम है। और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है ए बी सी डी, इसका हमको डायमेंशन क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, होमोजेनिटी कि द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इफ रिलेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पर एक करेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा, क्लियर। दैट मीन्स इफ लेफ्ट हैंड साइड इज वेलोसिटी देन राइट हैंड साइड इज ऑल्सो वेलोसिटी एंड देन द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज आर ऑल्सो वेलोसिटी बिकॉज सिमिलर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी वेलोसिटी है, मैं यहाँ पर राउंड करते जा रहा हूँ, ये भी वेलोसिटी है, ये भी कंप्लीट वेलोसिटी है और ये भी कंप्लीट वेलोसिटी है। जो मैंने रेड इंक से बॉक्स बॉक्स किया सब वेलोसिटी है, तभी वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, क्लियर। तो पहला डायमेंशन तो हमको ऐसी पता चल गया, ठीक है, इट्स सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन किसका, ए का, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी दैट इक्वल डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू वी, क्या है, वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एम जीरो एल टी टू द पावर माइनस वन। एक आंसर हमारा निकल गया, डायमेंशन ऑफ ए इज एम ए, डायरेक्ट निकल गया ओरल, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो भी इंडिविजुअल वेलोसिटी होगा। ये अच्छा मिक्सअप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हम कैसे डायमेंशन फाइंड करेंगे। अब देखो इसका हम निकालें, उसके पहले मैं इसका निकाल दूं, जो आसान है उसका पहले निकालते जा रहा हूं। देखो ये है डायमेंशन, ये टी और ये है डी और दोनों हो रहे हैं सम, तो दोनों सम क्यों होंगे, क्योंकि ये टाइम है तो इसको भी टाइम होना पड़ेगा, तभी बीच में प्लस है, क्लियर। जैसे ये वेलोसिटी है तो भी वेलोसिटी, तो डी टी के साथ ऐड हो रहा है, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ, नेक्स्ट इज इजी को पहले निकाल देता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ डी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी दैट इज एम जीरो एल जीरो टी।
तो डी का डायमेंशन भी हमने फाइंड कर लिया, ए निकल गया एम टू दी पावर जीरो, एल टू दी पावर जीरो और टी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब यहां पर देखो, अब बी टी का हम एक साथ निकालते हैं, बी टी कंप्लीट बी टी क्या है, वेलोसिटी है, तो हम उसका निकालेंगे डायमेंशन। थर्ड कैलकुलेशन इज डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, क्योंकि जो इसका वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है तो वी के इक्वल होगा। दैट इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू टी को ट्रांसफर कर देंगे तो डायमेंशन ऑफ वी अपॉन टी हो जाएगी, टी ट्रांसफर होकर डिनोमिनेटर में चला गया। अब हम दोनों के डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम जीरो एल टी टू द पावर माइनस वन एंड टी इज टी, दैट इक्वल्स ओवर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा एम जीरो एल टी टू द पावर माइनस टू, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी। तो यहाँ से हमको बी का डायमेंशन पता चल जाएगा। जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो इस तरह से कंबाइंड क्वेश्चन होता है जिसमें किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा जाता है जिसको हम ओवरऑल बता सकते हैं। यहाँ पर हम सबको निकाल के बता रहे हैं और इससे पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमको निकालना है सी का, तो कंप्लीट रिलेशन को लेंगे अपन, तो यहाँ पर हम ले लेंगे अगेन डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी, सी अपॉन डी प्लस टी इज आल्सो वेलोसिटी, दैट इज डायमेंशन ऑफ वी। दैट इंप्लाइज अब हमको सी का चाहिए तो डायमेंशन ऑफ सी को अलग रख दें, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो यह हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डी प्लस टी, दैट इक्वल डायमेंशन, हम इसका डायमेंशन लिख देते हैं, ये वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर माइनस वन, एम को जीरो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, और डी भी टाइम है और टी भी टाइम है, डी हम निकाल चुके ये टाइम है। क्लियर। तो टाइम प्लस टाइम क्या होगा, टाइम होगा, इसको हम टाइम लिख सकते हैं, दैट इक्वल ये ऊपर चला जाएगा, तो अब हम इसको लिख देते हैं एम जीरो ही लिख दो यहाँ पर, एम जीरो एल टी टू द पावर माइनस टू, दैट इज डायमेंशन ऑफ सी। क्लियर। तो यहाँ से सी का डायमेंशन हमको फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायमेंशन इसके फाइंड करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि ए का डायमेंशन वी के डायमेंशन के इक्वल होगा, बी टी का डायमेंशन यहाँ पर हमने निकाला इसका डायमेंशन टी के इक्वल होगा, बी टी का तो बी निकाले तो ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, एम जीरो एल टी तो माइनस वन, वेलोसिटी का टाइम जाके माइनस टू हो गया। क्लियर। मतलब बी और सी का यहाँ पर डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया, एम जीरो एल टी टू द पावर माइनस टू, ये सी अपॉन टी। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, देखो जैसे यहाँ पर मैंने इसको ले आके डिवाइड किया, यहाँ तो डिवाइड में था, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये डिनोमिनेटर में है, जाके मल्टीप्लाई इन टू डी प्लस टी ये होगा। दैट मीन्स यहाँ पर वही मैं सोच रहा था, दो डायमेंशन इक्वल कैसे आ गए, ये भी सेम आ गया, तो इन टू क्या हो जाएगा, ये टी होगा, तो टी ही रहेगा, और दैट इक्वल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम जीरो एल टी जीरो होगा। ठीक है, टी के पावर यहाँ पर वन है, ये जीरो होगा, ये सेम हो गया था। ये इस तरह से हम निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला, जो मिसिंग वहाँ पर वैल्यूज होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उसके हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपको बता दूँ जो थोड़ा इससे हट के हैं और बहुत बार वो एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वेश्चन कवर हुआ है, और वो क्वेश्चन इस तरह से देखिए, नेक्स्ट पैटर्न इज सपोज वी हैव वाई इक्वल ए साइन टू पाई पी अपॉन टी, दिस इज द रिलेशन। ये क्या है, जब आप ऑक्सीलेशन पढ़ेंगे तो ऑक्सीलेशन में किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ पी, पी का डायमेंशन हमको फाइंड करना है, इस पी का, ये जो यहाँ पर पी है इसका हमको डायमेंशन फाइंड करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से देखिए,
अब पी के डायमेंशन को फाइंड करने के लिए हमको पूरा इसके डायमेंशन के बारे में बात करना होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि साइन के सामने जो कुछ भी लिखा होगा, भाई साइन के सामने जो लिखा जाएगा वो लीटर, मीटर, किलोग्राम, सेकंड तो होगा नहीं। साइन के सामने जो भी लिखा जाएगा दैट इज एंगल, साइन कॉस टेन के सामने जो भी लिखा जाएगा एंगल। इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन का अच्छा होने का स्टैंडर्ड का मतलब यही है कि यहाँ पर स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि साइन के पूरा सॉल्व करना ही स्टार्ट कर देते हैं। तो साइन के सामने जो कुछ भी क्या होगा वो होगा एंगल होगा। दैट मीन्स इसको 2π/2πp/t का डायमेंशन क्या होना चाहिए, एंगल का डायमेंशन। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ 2π/p/t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगल। दैट इंप्लाइज 2π/p/t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज डिस्टेंस एंड रेडियस इज आल्सो डिस्टेंस, दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इज जीरो, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दैट इज m0 l0 t0। दैट इंप्लाइज हमको चाहिए p का डायमेंशन, 2π कांस्टेंट है, इसको आप हटा दो तो डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू हो जाएगा m0 l0 t0, और ये टाइम है तो इंटू हो जाएगा t, और दैट इक्वल ये हो गया m0 l0 t। दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि साइन के सामने जो है वो एंगल है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको यहाँ पर जो मेजरमेंट का न्यूमेरिकल्स बताया टू टाइप का, एक एरर पर बेस्ड, दूसरा डायमेंशन पर बेस्ड, यही इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन हैं वो लेंदी कैलकुलेशन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कोई काम करने। तो मेजरमेंट में ये न्यूमेरिकल्स आप बहुत अच्छे से करिए, और नेक्स्ट चैप्टर से जब मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा तो हम कंप्लीट 100% सबसे पहले एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स करेंगे। 100% एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हमको करना है, उसके बाद फर्स्ट फेज का मेरा ये न्यूमेरिकल का कलेक्शन होगा, और नेक्स्ट फेज में मैं अगेन स्टार्ट करूँगा न्यूमेरिकल्स, तब मैं आईआईटी जेई और नीट के लेवल के क्वेश्चन को लेके अलग से फिर न्यूमेरिकल्स बनाऊँगा, क्योंकि यही पढ़ने का तरीका है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट फार्मूला एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स ऑफ द एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी पर मैं इसलिए फोकस हो रहा हूँ, उसके दो तीन वजह हैं। पहला ये कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बहुत सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज क्रीम कलेक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो एनसीईआरटी पर डायरेक्ट नहीं आते, तो एनसीईआरटी को टच करते हुए आते हैं, और उसमें वेराइटी बहुत है, तो उसको आप सबसे पहले कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूमेरिकल्स आपको लेके आएंगे स्ट्रेट लाइन। ओके, थैंक यू।